झारखंड का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं गेल के अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूं। मेरे एक आग्रह पर लगभग 40 करोड़ रुपया वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन हुआ। अभी 150 मीट्रिक टन बना है, 150 मीट्रिक टन भी आगने वाले 3 महीनों में बन जाएगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, ऐसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट झारखंड के विभिन्न धनबाद, जमशेदपुर, दुमका ऐसे जगह मिले ताकि शहर का जो कूड़ा है उसका सदुपयोग हो पाए। आम के आम, गुठली के दाम। अब अभी जो 300 मीट्रिक टन का प्लांट है उसमें रोजाना 10,000 केजी सीएनजी गैस और लगभग 25 टन ऑर्गेनिक खाद मिलेगी हमारे घर के कूड़े से। इसे तो 304 करोड़ की लागत से जेएनआरयूएम से सीवरेज प्लांट के सिस्टम का अभी पाइपलाइन चल रहा है, बहुत जल्दी आने वाले लगभग 6-7 महीने के अंदर उसकी भी सुविधा मिल जाएगी। और प्रयास यह है कि रांची एक सुंदर राजधानी दिखे। देश भर के लोग रांची आते हैं और रांची आते हैं, रांची का क्लाइमेट, रांची का वेदर सबको कहीं ना कहीं छू जाता है। और दूसरी ओर हम ये कह सकते हैं हमारे अभिभावक पहाड़ी बाबा जिसका सुंदरीकरण और जगन्नाथपुर टेम्पल जिसका सुंदरीकरण, उसका भी जल्द सुंदरीकरण। और जो पहाड़ी मंदिर है वो कोई पहाड़ नहीं है, वो मिट्टी का टीला है, चट्टान के ऊपर मिट्टी है, उसको बांधना जरूरी है क्योंकि बाबा का वास है। अब युवक बैठे हैं तो उसका भी लगभग 8 करोड़ की लागत से वो भी बहुत जल्दी उसका काम शुरू होगा। इसी तरह जगन्नाथपुर टेम्पल, ऐसे बहुत सारे काम अभी रांची के अंदर प्रगति पाइपलाइन में है। एक काम बहुत दिनों से लोगों ने सोचा कि रांची का जो हवाई अड्डा भगवान बिरसा मुंडा विमान पतनन, जब रोजाना 60 से ऊपर जो फ्लाइट्स आती है जाती हैं उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिले, इसके लिए जगह की आवश्यकता थी। उसके लिए हम सब ने प्रयास किया। जब आप एयरपोर्ट जाते हो बाएं साइड में सेना की बहुत बड़ी जगह, लगभग 70-72 एकड़ जगह पड़ी है। हमने यह प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी वह सेना डिफेंस की जो जगह है, जमीन है, वो जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट को मिल जाए ताकि जो पार्किंग का जो सिस्टम है वो भी दुरुस्त हो जाए और रांची एयरपोर्ट भी बड़ा बन जाए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मोराबादी मैदान अपने में बहुत ऐतिहासिक मैदान, किंतु किन्हीं कारणों से मोराबादी मैदान सिकुड़ता चला गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि मोराबादी मैदान में सेना की एक जगह है, अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है हमारे डिफेंस को कि वह जो सेना की जगह है, डिफेंस की जगह है, उसकी उतनी जगह कहीं आप शहर से बाहर आप जगह दे दें, तो मोराबादी मैदान की वह जो डिफेंस की जगह है वो राज्य सरकार को सौंप देंगे ताकि मोराबादी मैदान और बड़ा हो जाए, क्योंकि वह ऐतिहासिक मैदान है। बहुत सारे ऐसे विकास पाइपलाइन में है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है, लगातार हम सब, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, किंतु विचारधारा एक, विकास के नाम पर विचारधारा एक है। कैसे झारखंड प्रगति करे, कैसे रांची प्रगति करे, इस ओर हम सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए, और आज नवरात्र का दूसरा दिन है, मैं नवरात्र के और आगने वाले दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय सेठ जी का आपके उद्बोधन के लिए, आपके विचारों के लिए। साथियों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच और एक संकल्प पूरी फिजाओं में गूंज रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हां, अपनी शानदार कोशिशों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हर चेहरे पर खुशहाली लाने की जो शानदार और अद्भुत कोशिशें कर रहे हैं, इससे सारी खुशियां लोगों के अंतिम घर आंगन तक पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प झारखंड को उन्नति के शिखर पर ले जाना है। जो कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो राज्य के विकास पुरुष है, आपकी और दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इन्हीं तालियों के बीच सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। सबसे पहले यहां उपस्थित आप सभी शहरवासियों को मेरी ओर से जोहार, और बहुत बहुत आभार यहां उपस्थित योगदास सत्संग के मठ के स्वामी ईश्वरानंद जी को, जिन्होंने इस सड़क का, इस पुल निर्माण में मठ का अपना हिस्सा इस फ्लाईओवर में दिया है, तभी यह संभव हो पाया है। और आज यहां फादर को भी धन्यवाद दूंगा कि आज यहां हमें प्रोग्राम करने का जो हम यहां कार्यक्रम कर रहे हैं इसकी अनुमति दी है। और यहां हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री, हमारे सरकार के कैबिनेट सहयोगी, स्थानीय राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चूंकि ये रांची शहर है, एक एक इंच का बहुत महत्व है, यहां पर कोई भी चीज बनाना बहुत चुनौती भरा होता है। और जब तक सबका सहयोग ना मिले, कोई भी योजना धरातल पर उतारना बहुत कठिन सा हो जाता है। इस फ्लाईओवर के लिए जितने भी लोगों ने प्रयास, ये जरूर रहा कि कम से कम आम लोगों की जमीन ली जाए, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। इसमें हमारे योगदानंद आश्रम का भी थोड़ा सा हिस्सा इस फ्लाईओवर में गया है, इसकी अनुमति इन्होंने दी, इनके लिए भी इनका बहुत बहुत हम आभार प्रकट करेंगे। और चूंकि शहर जिस तरीके से जनसंख्या को लेकर के यहां पर और विभिन्न कारणों से यहां लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, उसी प्रकार यातायात की भी चुनौती बढ़ती है। और इसके अलावा सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है।
कई मायने में अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कानून भी हम ही बनाते हैं और कानून को हम ही तोड़ते हैं। ये हमें कहीं न कहीं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे आवागमन को लेकर के हो, अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। अभी आदरणीय राज्यमंत्री संजय सेठ जी ने कहा यहां रेलवे स्टेशन बनने हैं, सौंदर्यीकरण होने हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां मंदिरों का जीर्णोद्धार होने हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हम अपने ही हाथों से कुछ ऐसा नुकसान कर बैठते हैं जिसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहाड़ी मंदिर में एक बहुत बड़ा गुनाह हम लोगों ने किया कि हाँ, वहां पर इतना बड़ा झंडा का खंभा हम लोगों ने गाड़ने का परमिशन दे दिया और उसमें झंडा लगाया, जिसकी वजह से आज पहाड़ी मंदिर खतरे में आ गया। आज क्यों नहीं फहराते हम वहां पर तिरंगा झंडा? इसीलिए हमें पूरे वैज्ञानिक रूप से चीजों को समझने जानने की आवश्यकता भी है कि कहां हमको क्या चीज करना चाहिए, उससे क्या नफा नुकसान होगा। आज ये पुल बना है, इस पुल में भी कई लोगों का छोटा बड़ा योगदान रहा है और हम चाहेंगे कि ये पुल हमेशा के लिए आप लोगों के सेवा में रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बीच में लगे खंभे, स्ट्रीट लाइटें, उनमें कई जगह पर चोरी चमारी होने लगती हैं, लोग बेवजह जगहों पर इंक्रोच करने लगते हैं, बेवजह सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान करने लगते हैं। सरकार की संपत्ति विशुद्ध रूप से जनता की संपत्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस कदर कर दें कि फिर वो किसी काम के लायक ना रहे। इसीलिए ये जरूरी है और हम हर इस राज्य में अभी आप लोगों ने देखा कि रांची शहर में ही कई फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं। अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। ये फ्लाईओवर आने वाला समय में 5 किलोमीटर से अधिक का होने जा रहा है। अभी एक ऐसा पुल हम लोग बना रहे हैं जो यहां सिरमटोली चौक के ऊपर जो बन रहा है, वो मुझे लग रहा है कि देश के इतिहास में रेलवे क्रॉसिंग में इस तरीके के फ्लाईओवर आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनौती भरा, लेकिन ये सारे कार्य, अब ये पुल आप देख रहे हैं, मात्र 2 साल या 2.25 साल के अंदर बना है। और मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर ये सिरमटोली रेलवे क्रॉसिंग भी आपके सेवा में आ जाएगा और 1.5 साल के अंदर ये दोनों फ्लाईओवर एक दूसरे से कनेक्ट होंगे और जो मेकन में चढ़ेगा वो सीधा काटाटोली के पार जाएगा और जिसको बीच में उतरना है उसके लिए भी व्यवस्था होगी। तो हर एक आम नागरिकों की सुविधा अनुसार और आने वाले एक लंबे समय के सोच के हिसाब से और काफी प्रयास के उपरांत ये योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। मुझे नहीं लगता है कि सुजाता चौक के पैरेलल में कोई दूसरा
रेलवे क्रॉसिंग बनाने का कोई दूर दराज समय तक में कोई सोच भी नहीं था, लेकिन ना जाने कितने वर्षों से ये सुजाता फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग इस राज्य की जनता का सेवा कर रहा है। आखिर हर चीज का एक उम्र सीमा है। मुझे लगता था कि बहुत जरूरी है कि यहां पर एक पैरेलल इसका व्यवस्था किया जाए, ताकि कभी भी भविष्य में कुछ ऐसी आपदा हो तो आम लोगों को इससे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज धनबाद हो, रामगढ़ हो, जमशेदपुर हो, कई जगहों पर अभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं, लेकिन समय के अभाव में हम लोग उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं और यही कम छोटे छोटे समय को सदुपयोग में बदलें और आम लोग भी इसमें सहयोग करें। आज यहां सभा हो रही है, यहां हमारे स्कूल परिसर, एक चर्च परिसर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कितना अभाव है शहर में जगहों का आप अंदाजा लगा सकते हैं। कल ऐसा भी दिन हो सकता है कि आपको शादी ब्याह के लिए बगल वाले घर में जाकर के अपने पड़ोसी की से मदद लेना पड़ेगा। तो इसलिए एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक सहयोग के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हर चीज, रांची का क्षेत्रफल सीमित है, झारखंड का क्षेत्रफल सीमित है, वो बढ़ नहीं सकता, बल्कि उसको घटा जरूर हम लोग सकते हैं अपना गतिविधि के हिसाब से। और मैं बार बार कहता हूं, शहर में हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं लेकिन पेड़ पौधा बड़ी तेजी से काट रहे हैं। नतीजा ये है, संजय सेठ जी, सीपी सिंह जी हमसे उम्र में बहुत बुजुर्ग हैं, आज बिना घर में एसी लगा के कोई रह नहीं, बिना एसी लगाए रहा नहीं जाता। लेकिन एक समय ऐसा भी इन लोगों ने देखा कि एसी लगाने का जरूरत नहीं, पंखा भी चलाने का जरूरत नहीं था, और वो सिर्फ और सिर्फ है पर्यावरण को हम खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हमने आपको, या आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि हमने एक योजना चला रखा है, रांची में जो आदमी पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। खैर 5 यूनिट तो अब खत्म हो गया, क्योंकि गरीबों को तो हम 200 यूनिट बिजली ऐसे ही फ्री कर दिया और उनका बकाया बिजली भी फ्री कर दिया है, तब वो भी खत्म। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से, आप गेंदा का फूल लगाने से तो पर्यावरण ठीक हो नहीं सकता भाई, गुलाब का फूल लगाने से पर्यावरण नहीं सुधर सकता, नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, बड़ा बड़ा वृक्ष लगाइए और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखिए, नहीं तो कल बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी देखिए यह चर्च परिसर कितना खूबसूरत लगता है, अगर ये पेड़ पौधा सब काट दो तो कल ये परिसर कैसा दिखेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये बात जरूर है, सड़क के नाम पर, रेलवे लाइन के नाम पर अनगिनत पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन लगाने के नाम पर खाली खाना पूर्ति होता है। इसीलिए हम सब लोग ये प्रण करें, हमने तो ये परंपरा ही खत्म करने का प्रयास किया है कि जितने भी गतिविधि कार्यक्रम होते हैं, जैसे अभी हमारे यहां कार्यक्रम हुए, आपने यहां देखा होगा कि किसी को कोई बुके नहीं मिला, सबको फूल का गमले में फूल मिला है, पेड़ पौधा मिला। मुझे तो लगता है ये पौधा और बड़ा वाला पौधा मिलना चाहिए, आम का मिलना चाहिए, इमली का मिलना चाहिए, बरगद का मिलना चाहिए, पीपल का मिलना चाहिए। ये बुके दे करके क्या 500,000 रुपए खत्म बर्बाद करो, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बर्बादी का बड़ा कारण बनता है। आज संजय सेठ जी ने कहा अभी
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उद्घाटन किया गया है। अब कूड़ा करकट शहर का गांव में नहीं लोग डालने देगा, बड़ी बार मारेगा गांव वाला लोग बता देते हैं। इसलिए हमें भी सतर्क रहना होगा। यहां बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉलोनी बन रहे हैं, बड़े बड़े सोसाइटीज बन रहे हैं, सभी सोसाइटीज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था किया जाए। मैं विभाग को कहूंगा कि जहां बड़े बड़े सोसाइटी है, जहां हजार आदमी से अधिक है, वहां पर सभी जगह पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मशीनें को लगाने का आदेश निर्गत किया जाए, नहीं तो पूरा शहर का एक विभाग के जिम्मे नहीं चलेगा। हमें कहीं ना कहीं खुद में भी कड़ा होना पड़ेगा और व्यवस्था को भी कड़ा होना पड़ेगा। कई जगह हम ये समस्या सुनते हैं कि गांव वाले लोग शहर का कूड़ा फेंकने के लिए अपना जगह जमीन नहीं देना चाहता, तो ये नौबत ही क्यों हम आने दें, पहले से ही हम सुधर जाए। अभी पर्यावरण को लेकर के बहुत हुज्जतें चल रही है, दुनिया देश में सेमिनार चल रहा है। अभी कल परसों ही एक पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी हिमालय से चले पैदल, गांधीवादी करते करते दिल्ली में बेचारे अरेस्ट हो गए हैं। चुनाव उनाव का पता नहीं क्या क्या चक्कर हो गया, और समय नहीं है, अब आखिरी समय पर है। नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी इतने कष्टों में रहेगी, इतने कष्टों में रहेगी जिसका अंदाजा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं कुछ। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है विकास के पैमाने को खींचते खींचते कहीं हम पर्यावरण को नुकसान ना कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मैं विभाग को भी ये कहूंगा, कोई भी आप इस तरीके की योजना लगाए तो पहले पर्यावरण का आप उसका सर्वे करें, उसको हम कैसे कंपनसेट करें, उसके उपरांत चीजों को आगे बढ़ाएं। कोई दिक्कत नहीं है, तभी इसकी भरपाई हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। अब न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड, हमेशा विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो DRA इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड जिस कंपनी ने कांटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण करवाया है, उसके डायरेक्टर अंकित अग्रवाल जी हमारे बीच हैं, जो कि एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करना चाहते हैं। सम्मान स्वरूप, आदर स्वरूप जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। थैंक यू सर। और एक संकल्प है कि चले चलिए कि चलना ही सबूत जिंदगानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसी कामना के साथ कार्यक्रम के इस पड़ाव पर धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं डायरेक्टर सूडा श्री अमित कुमार सर से। जोहार। आज झारखंड के लिए और विशेष तौर पर रांची शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कांटाटोली फ्लाईओवर सहित 31 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नगर विकास एवं आवास विभाग एवं पथ निर्माण विभाग की तरफ से हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, सतत मार्गदर्शन एवं सहयोग के कारण से ये सारी परियोजनाएं जो है वो आकार ली हैं। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी का, जिन्होंने अपने विचारों से हम सभी लोगों को अनुग्रहित करने का काम किया। मैं माननीय मंत्री महोदय श्री बन्ना गुप्ता जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्रीमती डॉक्टर महुआ मांझी जी का
उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं माननीय विधायक गांडे श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का, माननीय विधायक रांची श्री सीपी सिंह जी का एवं माननीय विधायक खिजरी श्री राजेश कच्छप जी की उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं विभाग की तरफ से पोप कैथेड्रल चर्च के फादर श्री कुजूर जी एवं योगदा सत्संग आश्रम के स्वामी श्री ईश्वरानंद महाराज जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सहयोग के कारण से काटाटोली फ्लाईओवर और इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सका। मैं मंच पर विराजमान तमाम गणमान्य अतिथियों को, स्थानीय प्रशासन एवं नगर निगम को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कड़ी मेहनत के कारण से यह कार्यक्रम सफल रहा है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विभाग के आदरणीय प्रधान सचिव महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कड़ी मेहनत, दिन रात मेहनत के कारण से ये काटाटोली फ्लाईओवर परियोजना जो है वो समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो पाई है। और इन तमाम योजनाओं को एक आकार देने में माननीय प्रधान सचिव महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंजीनियरों का, ठेकेदारों का और श्रमिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण से ये सारी योजनाएं जो है वो हो पाई हैं। मैं स्थानीय निवासियों का भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने निर्माण के दौरान तमाम असुविधाओं का जो है वो सहन किया, उनके धैर्य के कारण से ही ये परियोजना जो है वो पूर्ण हो पाई है। अंत में सभी सम्मानित अतिथियों का, यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता वृंद का और मीडिया के साथियों का भी इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू। एक बार पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों का बहुत बहुत आभार है इस ऐतिहासिक आयोजन में अनगिनत सौगातें देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अबुआ आभार, हेमंत सरकार बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोगों का जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं सबका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहाँ पर काटाटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और इस योजना के निर्माण कार्य की शुरुआत 2017 में ही हुई थी, लेकिन इसके जरिए झारखंड को कैसे विकास की रफ्तार देनी है ये सोच और इस सोच के साथ एक ईमानदार कोशिश, इसका जिक्र खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बार बार किया गया। उन्होंने कहा कि मैं कृत संकल्पित हूँ, मेरा जो मिशन है, मेरा जो लक्ष्य है वो झारखंड के लोगों को हर वो सुविधा उपलब्ध कराना जिससे वो अपने लिए आर्थिक तौर पर मजबूती हासिल कर सके, और इसीलिए इसे लेकर 225 करोड़ तक इसका बजट जो है वो शुरू कर दिया गया। 8 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है और अब लोगों के सामने जिस तरीके की परेशानियां थी, जिस तरीके की चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार उनके साथ साथ खड़ी नजर आ रही है। काटाटोली फ्लाईओवर जाम की एक बड़ी समस्या यहां इस इलाके के लोगों को उठानी पड़ती थी, घंटों का वक्त उन्हें लगाना पड़ता था और इसीलिए इस बहुप्रतीक्षित कह लीजिए काटाटोली फ्लाईओवर का इंतजार किया जा रहा था। और अब जिस तरीके से झारखंड के मुखिया की बात कर लीजिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि हम सबका साथ और सहयोग बहुत जरूरी है, झारखंड के लोग अगर बढ़ेंगे, झारखंड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं देश बढ़ेगा, और इसीलिए हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस दिशा में एक सार्थक प्रयास जो है वो किया जा सके। तो 31 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी आज के दिन पर किया गया और इन योजनाओं के जरिए झारखंड के विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का मिशन मोड शुरू हो चुका है। और काटाटोली फ्लाईओवर जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, इस काटाटोली फ्लाईओवर के शुरू होने के साथ ही लोगों के जीवन में एक रफ्तार आएगी।